आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में युवा दिवस के अवसर पर आज स्वामी विवेकानंद पार्क स्थित युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती के अवसर पर वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में सामाजिक संगठन रीवा द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि एक वैचारिक सम्मेलन आयोजित करें। मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता। हमने देखा कि विवेकानंद जी की जयंती पर बहुत सारे अन्य अन्य कार्यक्रम होते हैं, योग नमस्कार होता है, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सूर्य नमस्कार योग पे कार्यक्रम, लेकिन जिस विचार को लेकर विवेकानंद जी ने ताउम्र जिया, 39 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्यागा, लेकिन उन्होंने क्या विचार दिया ये युवा पीढ़ी को जानना आवश्यक था। इसलिए मैंने वैचारिक सम्मेलन का एक आयोजन रखा जिसमें आज रीवा के पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र जी शुक्ल, कलेक्टर रीवा सम्मानी इलैया राजा टी जी, समरिया विधायक के पी त्रिपाठी जी और एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा जी सहित सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव जी, और इन सब ने मिलकर के विवेकानंद जी के विचारों पर बात की। साथ ही साथ कई अन्य उद्देश्य थे कार्यक्रम के, नशा मुक्त रीवा, सशक्त रीवा, स्वच्छ रीवा, स्वस्थ रीवा, और इन तमाम उद्देश्यों को लेकर ये कार्यक्रम था जो मैंने आयोजित किया था विवेकानंद पार्क। पुलिस स्वामी विवेकानंद जी के 158वीं जयंती अवसर पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कराया गया और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन शैली का उदाहरण देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के पथ प्रदर्शन पर चलने से ही एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके, सबसे प्रदर्शन करके भारत को आगे ले जाने का और स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के भारत के निर्माण में हम लोग अपना योगदान दें, तभी युवा दिवस मनाने की सार्थकता पूरी होगी। मेरा कार्यक्रम 10 बजे हमारे प्रदेश के भोपाल से आए हुए हैं। एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने कहा कि भले ही हम अपने बच्चों को संपत्ति और धन ना दें बल्कि स्वस्थ शरीर दें जो सबसे अधिक बहुमूल्य है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर के साथ एक चौथा बंदर भी आज के परिवेश में दिखाई दे रहा है। बच्चे मोबाइल लेकर उसी में खोए रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। हमें अपने बच्चों को ऐसा बंदर नहीं बनाना है। जैसे बताया कि ये तो 26 जनवरी तक चलेगा हमारे गुड्डू, जिसमें सम्मान अभियान जो कह रहे हैं, महिलाओं के प्रति जागरूकता, उनकी सम्मान के साथ साथ कहीं भी किसी चौराहे पर जो हमारे लखू टाइप के, मजनू टाइप के लोग खड़े हो जाते हैं, आगे किसी जाने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, उनसे बदमाशियां करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को सचेत करने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए, वो 12 साल का बच्चा क्या जान रहा होगा कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, जबकि सरकार ने क्या क्या कर रखा है। अपने अपने विचार प्रकट कर रहे लोगों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली पर विचार नहीं करते जो हमें जीवन के सही मार्ग बताते हैं। कहा गया रामकृष्ण मिशन विद्यालय तमिलनाडु का है ना, मैं स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग लगातार उनके ना बहुत सारे चीज़ें हैं, जब स्वामी विवेकानंद का हम पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है मतलब अपने आप में एक विचारों का ना साहर है और एक आधुनिक दुनिया को कैसे एक प्रोड्यूस करना है उसके लिए मतलब सब चीज़ें उनके हैं। उन्होंने अपना ऑलरेडी सपना है ना देख चुके हैं, उस सपना को हमको साकार करने में हम लोग लगे हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भगवान को देखने के लिए किसी मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी गरीब का चेहरा में ना आप भगवान को देख सकते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं, यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा इन्हें कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है ऐसे युवा 100 युवाओं को दे, मैं पूरा दुनिया को बदल के दिखाऊंगा। ऐसे युवा हैं उनके अंदर है ना जोश है, मतलब उनके अंदर है ना एक मेंटल फिटनेस है, उन युवाओं के माध्यम से युवा शक्ति के ऊपर उनकी बिल्कुल एक बहुत ही सकारात्मक विचार और है ना उनका बिलीफ था, तो युवा ही है ना इस पूरा दुनिया को बदल के दिखाएंगे टाइप का। तो हमारे संत का 1893 में शिकागो स्पीच में किस प्रकार का उन्होंने पूरा दुनिया के लोगों के सामने ना हमारी है ना एकता अखंडता का ना सामने रखा है, हम अभी विधायक जी ने भी बता रहे थे। इसके साथ साथ अरे अभी
स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो, मतलब जब तक आपकी लक्ष्य को हासिल नहीं करते थे तब तक आपको ना भागते रहना है, दौड़ते रहना है। तो युवा दिवस के अवसर पर हमारे ना बहुत कुछ लक्ष्य है जिले के लिए। आज अभी एक कार्यक्रम हम लोग ने स्टेडियम परिसर में करके आए हैं, युवाओं के बीच में हम लोग रहे हैं, तो एक युवा के साथ संवाद एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किए हैं। एक स्वच्छ सर्वेक्षण है, हमें पता है बहुत सारे कमियां हैं हमारे बीच में, हमारे शहर में है, क्लीन नहीं है, बट उसके बाद भी हम लोग उस लक्ष्य को बिल्कुल रख रहे हैं, एक ना एटलीस्ट एक ड्रीम सपना हम लोग देख रहे हैं, सबसे क्लीनेस्ट है ना सिटी है ना रीवा हो। जब तक हम लक्ष्य को नहीं रखेंगे तो लक्ष्य को ना चुप पाना ना बहुत मुश्किल होता है। बट आप लोग देख रहे होंगे लगातार पिछले एक दो महीने से हम लोग इसके लेकर ना काम कर रहे हैं, पर वो सिर्फ नहीं एक प्लेस दो प्लेस में नहीं है, हम लोग प्लान योजना वाइज भी इसको लगातार देख रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन हो, कलेक्शन के ना प्रोसेसिंग प्रॉपर हो, उसके साथ साथ है ना सहभागिता हो, लोगों की पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। आप आज इंदौर हम लोग गर्व से बोलते हैं, इंदौर है ना पूरा देश का है ना नंबर वन है ना सिटी है क्लीन के माध्यम से, वो सिर्फ कोई शासन प्रशासन के ना अवसर नहीं है, जब तक 100% लोगों की पब्लिक का पार्टिसिपेशन, अब इंदौर में एक एक नागरिक, इंदौर में एक एक व्यापारी, एक एक जनप्रतिनिधि, सभी लोग है ना उसमें शामिल है। सो मैं अपेक्षा करता हूँ, मतलब ये चीज़ है हमको यूनाइट होकर सभी लोग है ना मिल करके करने वाला चीज़ है, इसमें कोई नगर निगम या किसी को शिकायत करके ना इसमें कोई फायदा नहीं है, बट हम सब लोग मिल करके क्या हम रीवा को नंबर वन बनाने के दिशा में ले जा सकते हैं, ये आज हमारे ना संकल्प है। एंड इसमें लगातार हम लोग काम भी करेंगे, अब बस स्टैंड से काम कर रहे हैं और भी स्टेडियम भी हम लोग वापस अभी लिए हैं, उसके साथ साथ हम सभी वार्ड्स में भी है ना हम लोग लगातार इसको कोशिश करेंगे अभी।